प्रवास योजना के अंतर्गत महबूबाबाद की लोकसभा में मेरा प्रवास हुआ है और जिस तरह से कार्यकर्ताओं का जोश और जुनून देखने को मिला है, मुझे लगता है कि अब की बार कार्यकर्ताओं ने तय कर लिया है कि बीजेपी की सरकार लाना है। और इस हॉल में जो गचागच भरा हुआ था किसानों से, किसानों के बीच में मैंने बात किया है, किसानों की बातों को मैंने सुना है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी किसानों की आय को दोगुना करने के लिए लगातार जो काम कर रहे हैं, लेकिन माननीय मोदी सरकार की योजनाओं को यहाँ पर यानी TRS की सरकार लागू नहीं कर रही है। किसानों को किसान सम्मान निधि का पैसा पूरी तरह से नहीं मिल रहा है, किसानों को किसान फसल बीमा योजना का लाभ नहीं मिल रहा है और किसानों को अपने आत्महत्या करने को मजबूर होना पड़ रहा है। तब मैं कहना चाहता हूँ कि इसको रोकने के लिए और मोदी सरकार की योजनाओं को लागू करने के लिए, किसानों के हित में काम के लिए हमको एक बार फिर से तेलंगाना में बीजेपी की सरकार बनानी है। और तेलंगाना में बीजेपी की सरकार बनाने के लिए अब चाहे किसान हो, गरीब हो, दलित हो, शोषित हो, वंचित हो, आदिवासी हो, सबको लेकर के साथ और हम तेलंगाना में बड़ी संख्या में 119 जो सीटें हैं, हमारा प्रयास रहेगा कि 100 सीटों के साथ हम बीजेपी की सरकार बनाएं।